नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से तात्यापारा रोड के चौड़ीकरण के मामले की मांग को लेकर महापौर एजाज ढेवर ने मुलाकात की। महापौर एजाज ढेवर ने मुलाकात कर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तात्यापारा चौक के चौड़ीकरण के लिए भूमि पूजन किया था। यह मुद्दा 2012-13 से चलते आ रहा है। आज तक इस मुद्दे को 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इस दौरान महापौर के साथ MIC सदस्य भी मौजूद रहे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आज हम लोग पूरा पार्षद दल मिलने के लिए आया है। आप सबको पता है कि अब सिर्फ 4-5 महीना हम लोग के कार्यकाल को रह गया है, और विकास कार्य में जिस तरीके से अभी गतिरोध लगा है, जिस तरीके से अभी बढ़ी है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी नगर निगम में, क्योंकि आखिरी समय है, 4-5 महीना बचा है, हर पार्षद चाहता है कि बजट में उनको पैसा मिल जाए। सबसे पहले तो आज हम लोग यहाँ पर बजट 50 करोड़ रुपया, आज यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करने आए कि 50 करोड़ रुपया रायपुर नगर निगम को मिले। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, जिसको लेकर हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं, वो सड़क चौड़ीकरण को लेकर आए हैं। मैंने चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन साहब, सेक्रेटरी बसव राजू साहब, लगभग कलेक्टर साहब, लगभग सबसे मैंने मुलाकात कर ली है। जब प्रशासनिक स्वीकृति आपको मिल गई है, जब आपके 4 करोड़ रुपए आपको एडवांस के तौर पे आप लोग को मिल गया है, तो फिर वह काम क्यों चालू नहीं हुआ? क्यों अभी तक क्या आपने उसको बजट में नहीं रखा? रोड चौड़ीकरण, जो कि आज रायपुर के सबसे बड़ी समस्या, सबसे प्रमुख समस्या अगर रायपुर में है तो यातायात को लेकर है, तो वो चौड़ीकरण अभी तक क्यों नहीं हो पाया? पिछली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 137 करोड़ रुपया उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव में रख के गया था, प्रस्ताव पास हो गया, पैसा आ गया, उसके बाद फिर काम नहीं हो रहा है। जब मगर वहां पर हम पहुंचे माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, तो यहां पता चला कि आपको टोकन के तौर पे 4 करोड़ रुपया प्राप्त हो चुका है, मगर उसके बाद भी काम चालू नहीं हुआ। बात जो सामने निकल कर आ रही है वो यह बात सामने निकल कर आ रही है कि PWT इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि डबल मुआवजा देना पड़ता है, और आबादी की जमीन में आप डबल मुआवजा PWT नहीं दे सकता। इसके पहले जो हुआ है, इसके पहले जो ब्राह्मण पारा तरफ जो चौड़ीकरण हुआ, वहां डबल मुआवजा रायपुर नगर निगम ने दिया था, आप सबको विदित होगा। तो अभी एजेंसी हम लोग चेंज करने के लिए बात करने आए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करेंगे कि आप दोनों विभाग के मंत्री हैं, आप PWD के भी मंत्री हैं, आप हमारे भी मंत्री, नगरी प्रशासन के भी मंत्री हैं, तो आप इसको चेंज करके, आप एजेंसी को चेंज कर दो, PWD की जगह आप रायपुर नगर निगम कर दो, तो मुझे लगता है कि काम बहुत तेजी से हो जाएगा।